आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह लगाया जनता दरबार। एक एक फरियादियों की सुनी समस्या, पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति से भी की मुलाकात, संबंधित अधिकारियों को दिए निस्तारण के आदेश। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में वीवीआईपी ड्यूटी में आए इंस्पेक्टर ने वेटर के संग की गंदी हरकत, कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया हवाला, सीओ कोतवाली ने दी जानकारी। विकासखंड चरगावा में कृषि विभाग द्वारा लगाए गए कृषि प्रदर्शनी का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अवलोकन, स्टाल लगाए, किसानों से किया संवाद, किया हौसला अफजाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन, 20 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, एफपीओ शक्ति पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ 10 कृषकों को मिनी किट एवं प्रमाण पत्रों का किया वितरण, कहा आजादी के बाद पहली बार किसान देश की राजनीति के एजेंडे का बने हैं हिस्सा। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के आरक्षण की अंतरिम सूची रविवार को हुई जारी, 23 मार्च तक दर्ज की जा सकती आपत्ति, आपत्तियों के निस्तारण के बाद 27 मार्च को जारी होगी अंतिम सूची, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव कृषि ने कहा कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ पोर्टल से किसान करा सकेंगे अपना रजिस्ट्रेशन, बिचौलियों से मुक्ति के साथ किसान उठा सकेंगे अपने उत्पादों का उचित दाम। विकासखंड चरगावा में कृषि विभाग द्वारा लगाए गए कृषि प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद एक बालक से की बात, दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 52 करोड़ से नवनिर्मित महायोगी गुरु योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का किया लोकार्पण, कहा गोरखपुर के रंगकर्मियों सहित पूर्वांचल के कलाकारों को मिला नया मंच। नौकायान पर दो गाड़ियों के आपस में टक्कर होने से मारपीट के वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान, दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर व बुलेट को किया बरामद, सीओ कैंट ने दी जानकारी। राजकीय कृषि विद्यालय चरगावा ब्लॉक में मिशन किसान कल्याण के तहत कृषि मेला एवं प्रदर्शनी में बोले सांसद रवि किशन शुक्ला, कहा 4 सालों में प्रदेश का हुआ चौमुखी विकास, किसानों की आय में भी हुई वृद्धि। कुसमी जंगल में लूटपाट के प्रयास में चली गोली की दी गई सूचना निकली फर्जी, सीओ कैंट ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर में रविवार को मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,538, अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 48 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के तत्वाधान में आयोजित हुआ आज का समय और मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी, वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। और रोल बॉल क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का मंगलवार से होगा आगाज, क्लब के प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने दी जानकारी।